हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम देखने वाले हैं क्या इस रिश्ते की शुरुआत फिर से होगी। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर इस रिश्ते के बारे में? ओके, क्या है जो उन्हें इस रिश्ते में अब तक आने से रोके हुए? गाइस, ये एक जनरल रीडिंग होगी। हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो और टाइमलेस होगी, तो जितने समय बाद भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी, आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ओके, ये रीडिंग सभी के लिए है, सभी जोडिक साइन के लिए। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में हैं, सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर को क्या है जो रोका हुआ है, प्लीज़ हमें बताएं। इस रिश्ते में क्या नई शुरुआत फिर से होगी? क्या हमारे व्यूअर्स के पार्टनर लौट कर वापस उनकी ज़िंदगी में आएंगे? प्लीज़, क्या ऑब्स्टिकल एंड ब्लॉकेजेस हैं, प्लीज़ हमें बताएं। जो भी बीमार है ऊपर वाला, उन सभी को अच्छी सेहत, लंबी उम्र दे। नेगेटिविटी और थर्ड पार्टी आप सभी की लाइफ से हमेशा के लिए चली जाए। आप सभी की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां हैं। जो मैरिड हैं जल्दी एक साथ हो जाएं, जो सिंगल हैं उनके पार्टनर से उनकी शादी हो जाए, और जो लोग जॉबलेस हैं ऊपर वाला उन सभी को अच्छी जॉब दे। इस रिश्ते की नई शुरुआत होगी। द मून, मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा था। इस रिश्ते की नई शुरुआत होगी। किस वजह से अब तक रुके हुए? क्या ब्लॉकेजेस एंड ऑब्स्टिकल्स हैं? क्यों दोनों के बीच में दूरी है, प्लीज़ हमें बताएं। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कब तक आ सकते हैं वापस? ओके, एट ऑफ वॉन्ट्स, द एम्प्रेस, ओके, थ्री ऑफ कप्स, ओके, द हेरोफेंट, जजमेंट, वाह, ओके, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ओके, फोर ऑफ कप्स, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, हाई प्रेस्टेज, एट ऑफ कप्स, ओके, ओके। तो गाइज, इस रिश्ते की शुरुआत बहुत जल्दी तो नहीं दिख रही है, ओके, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं। ओके, आपके पार्टनर के दिल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ऐसे इमोशंस हैं, ऐसी फीलिंग्स हैं जो वो आपको बताना चाहते हैं। हो सकता है उन्होंने किसी थर्ड पर्सन की बातों में आकर और सामने वाले पर्सन ने उनको इतना इम्प्रेस किया, या फिर अगर उनकी फैमिली थर्ड पार्टी है तो उन्होंने उनको इतना इस रिश्ते के ख़िलाफ़ किया कि वो उन्होंने आपसे ही दूरियाँ बना ली। ओके, तो इस रिश्ते की नई शुरुआत तो है, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत सारी बातें आपको बताना चाहते हैं, लेकिन कोई ब्लॉकेजेस भी हैं यहाँ पर। ओके, ब्लॉकेजेस रिमूव होते हुए भी दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फाइव ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जो हमें दिखाता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में जो रिश्ता है उसके बीच में अगर कोई भी पर्सन है, कोई भी ब्लॉकेजेस हैं, नेगेटिविटी है, किसी थर्ड पर्सन ने कुछ आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा दी थी, तो वो यहाँ पर चीज़ें क्लियर होते हुए दिख रही हैं।
आपके पार्टनर का झगड़ा होते हुए दिख रहा है उन लोगों के साथ जो उनके ज़्यादा नज़दीक है। इस रिश्ते में जो लोग ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं उन लोगों से आपके पार्टनर का यहाँ पे साफ झगड़ा हो रहा है, उनके साथ आर्ग्यूमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो डिसाइड कर चुके हैं। हो सकता है अगर फैमिली में इशूज़ थे तो आपके पार्टनर ने फैमिली में डिसीजन सुना दिया है। कि यहाँ पर हमारे पास दो कार्ड जैसे जो दिखाते हैं कि आपके पार्टनर डिसाइड कर चुके हैं कि उन्हें आपकी तरफ आना है। जो भी ब्लॉकेजेस हैं या नेगेटिविटी है वो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा टाइम मतलब आपको ये लगता है कि बड़े टाइम से हम लोग वेट कर रहे हैं, ये थोड़ा टाइम कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। तो जब आप लोगों ने इतना वेट किया थोड़ा और वेट कर सकते हैं। तो आपके पार्टनर डिसाइड कर चुके हैं कि आपको कमिटमेंट देना ही है उन्हें। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है टेन ऑफ वॉन्ट्स। यहाँ पर है कि आपके पार्टनर अगर आपको देख पाते हैं, अगर आप दोनों का सामना होता है ऑफिस में, या फिर आप दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया के ऊपर ब्लॉक नहीं किया हुआ है, देख पा रहे हैं, या फेक आईडी से एक दूसरे को स्टॉक करते हैं, तो वहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसी हैं कि उनके दिल में बहुत कुछ है जो वो आपको बताना चाहते हैं, लेकिन हालात की वजह से वो आपके पास नहीं लौट कर आ पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे कास्ट रिलीजन का भी इशू दिख रहा है, थर्ड पार्टी भी दिख रही है, लेकिन वहाँ पर उन सभी से आपके पार्टनर के झगड़े होते हुए भी साफ दिख रहे हैं। आपके पार्टनर आपको देखते हैं, आपके पास आना चाहते हैं लौट कर। आपकी पर्सनालिटी, आपकी पॉजिटिविटी उन्हें अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उदास होते हुए भी अपनी ज़िंदगी जीने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लेट गो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एफर्मेशन से जो आप यूज़ कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको इस रिश्ते में पॉजिटिविटी लाने के लिए ज़रूर करना चाहिए। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जो भी हालात हैं, जो भी सिचुएशन है, वो आपके पास आने के बाद में उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, उन्हें इस बात का एहसास हो गया हुआ है। ओके, आपके पार्टनर की बात कहूँ तो थ्री ऑफ कप्स, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन है, उससे आपके पार्टनर अब यहाँ पे साफ़ है कि निकलना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर डिसीजन ले चुके हैं कि वो आपको कमिटमेंट देंगे ज़रूर। यहाँ पर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी भी है, फैमिली इशूज भी है, एंड कास्ट रिलेशन का ये एज गैप ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर डिसीजन ले चुके हैं और डिसीजन सुना भी चुके हैं। अगर इन दिनों में नहीं सुना है तो आने वाले कुछ समय में आपके पार्टनर अपनी फैमिली में डिसीजन सुना देंगे कि उन्हें आपकी तरफ आना है, इस रिश्ते की नई शुरुआत करनी है और आपके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। यहाँ पर वो ये चाहते हैं कि जजमेंट हो जाए, इस रिश्ते में जो तूफान आया हुआ है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं। मैरिड हैं तो वापस एक साथ हो जाएं, और मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं एक कोई ट्रिप प्लान करेंगे। आपके पार्टनर ये समझ गए हैं कि उनके पास आपके पास आ जाने से उनकी लाइफ पूरी हील हो जाएगी, उनकी लाइफ में जो तूफान मचा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसी हो रही हैं कि उनके ही अपनों से उनका झगड़ा हो रहा है। क्योंकि अगर वो थर्ड पार्टी में हैं, थर्ड पार्टी में जिस रीज़न से गए थे, थर्ड पार्टी ने उनको डिच किया है, वहाँ पर उनके बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो बार फाइव ऑफ सोर्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, जो ये दिखा रहा है कि उनके नज़दीकियों से उनका झगड़ा हो रहा है, और झगड़ा भी आपको लेकर हो रहा है, क्योंकि वो आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं। यहाँ पर आपने जो ऑफ़र दिया था वो उस ऑफ़र के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इस वक्त अगर आपके अलावा कोई और पर्सन उनको ऑफ़र करेगा या उनको कमिटमेंट लेने की या कमिटमेंट देने की कोशिश करेगा, वो उनका ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि उनका ध्यान आपके साथ गुजारे हुए वक्त के ऊपर बहुत ज़्यादा है। देखते हैं अभी एनर्जी ओरिकल देख से कि और क्या ही सोच रहे हैं आपके पार्टनर, रिश्ते की शुरुआत कब तक होनी है। ओके, स्प्रिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के इस रिश्ते में वापस नई शुरुआत कब तक कर सकते हैं। थोड़े ब्लॉकेजेस एंड ऑब्स्टिकल्स हैं, तो मैं हमेशा आपको यही समझाती हूँ, जिस रिश्ते में ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, थर्ड पार्टी या फैमिली इशूज़ हैं, वो लोग एफर्मेशंस यूज़ करें और ब्लॉकेजेस क्रिएट ना करें नेगेटिव सोच कर। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपके लिए स्टैंड लेंगे। अगर वो चुप रहते थे, इमोशंस एंड फीलिंग्स नहीं बताते थे, तो फर्स्ट कार्ड में हमारे पास द मून का आया था कि आपके पार्टनर आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे, कैरिंग कनेक्शन। इस कार्ड में आज अलग सी ही एनर्जी है, देखिए कैरिंग कनेक्शन। दूसरी रीडिंग में भी आया था ये कार्ड और बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रहा था। आपके पार्टनर ना आपके साथ बिताए हुए वक्त को बहुत ज़्यादा तो याद कर ही रहे हैं, आपको हग करना चाहते हैं, आपसे प्यार से बात करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते होंगे। तो यहाँ साफ है कि इस रिश्ते की शुरुआत तो होगी, बहुत जल्दी होगी, और आप दोनों वापस साथ हो जाएंगे। कम्युनिटी, थर्ड पार्टी से निकलेंगे आपके पार्टनर। यहाँ पर भी थ्री ऑफ कप्स आया था हमारे पास, यहाँ पर आपके पार्टनर कमिटमेंट देंगे आपको। ओके,
देखिए यहाँ पर भी आया था, ये कंफर्मेशन है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से निकल जाएंगे और आपकी तरफ आएंगे। दो कार्ड है हमारे पास इनडिसीजन, आपके पार्टनर के पास दो डिसीजन है, एक तो फैमिली और एक आप। ओके, थर्ड चक्र आर्कैंजल चैमुल, आपके पार्टनर आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं, यहाँ पे डिसीजन आपकी तरफ ही आएगा आपके पार्टनर का, और अगर फैमिली इशूज थे तो फैमिली तो कहीं ना कहीं मान ही जाएगी। आपके पार्टनर देखिए, अगर यहाँ पे दो रास्ते भी हैं आपके पार्टनर के पास, तो सबसे पहले आपके पार्टनर आपके पास आना ही चूज़ करेंगे, अपने फैमिली को मना लेंगे। अगर उनके पास दो रास्ते भी हैं तो आप इसको लेकर भी नेगेटिव नहीं हो, क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर अपनी फैमिली को मनाएंगे फिर आपके पास आएंगे। अगर फैमिली इशूज़ की वजह से आपसे दूरियां बना ली थी, तो कम से कम आपके पार्टनर इस रिश्ते में आपकी तरफ आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अपनी फैमिली को पूरी तरह से मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप में आपको क्या करना है, आपको ये अपने पार्टनर को लव वाइब्रेशंस भेजनी है और उन्हें ये बताना है कि वो फैमिली को मना लें और आपकी तरफ आ जाएं बहुत जल्दी। कोई तो एक ऐसा पर्सन है जिससे आपके पार्टनर को और आपको बचकर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो पर्सन आप दोनों के सामने अच्छा बनता है और पीछे से आप दोनों को नहीं चाहता कि एक हो जाएं, आप दोनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाता है, और उसका कलर फेयर हो सकता है, बिल्कुल ब्लैक नहीं होंगी उसकी आईज़, बाल भी या तो उसने कलर करवा रखे हैं और शॉर्ट हेयर्स हैं शोल्डर्स तक, एंड मेल है कोई तो भी एकदम उसके बाल थोड़े नॉर्मल जितने लड़के रखते हैं उससे थोड़े से ज़्यादा बड़े होंगे, और सामने जो इंसान मीठा बन रहा है आपके। ओके, एक कार्ड गिरा है और मैंने ये कार्ड उठा लिया, और ये कार्ड है यिंग एंड यांग का, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, बीच में कितने भी ऑब्स्टिकल्स हों कितने भी ब्लॉकेजेस हों आप दोनों एक ज़रूर होंगे। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, बहुत प्यारी एनर्जी है, इस इंसान से बस आपको बच के रहना पड़ेगा, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना कॉर्नोकोबिया। इस रिश्ते की नई शुरुआत होगी, आप दोनों एक हो जाएंगे, मुझे लग रहा है आप दोनों ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में हैं, आप लोग को 555 222 111 333 888 999 ये एंजल नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। इस पर्सन से आपको ज़रूर बचकर रहना है, और आपको कोशिश करनी है कि आपके पार्टनर भी इस पर्सन से दूर रहें। ये पर्सन है जो आपके पार्टनर से खासी दुश्मनी रखता है और नहीं चाहता कि आप उनके पार्टनर की अपने आपके पार्टनर की लाइफ में जाएं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। आपके और आपके पार्टनर दोनों बहुत ही प्यारी सी जर्नी में हैं, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ओके, तो गाइज ये थी आज की हमारी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, जल्दी ही आप दोनों का रिश्ता बहुत खूबसूरती के साथ में शुरू हो जाए। ओके, और जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं नेगेटिविटी है सब रिमूव हो जाए और हमेशा के लिए आप दोनों एक हो जाए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे जीमेल पर मेल कर सकते हैं, जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ओके, और अगर आप कुछ लगता है कि इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आए तो आपको नेगेटिव होकर ब्लॉकेजेस क्रिएट बिल्कुल भी नहीं करना है, अच्छी अफर्मेशंस यूज़ कीजिए और हमेशा खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।